अभी दो दिन के दौरे पे पंजाब आया हूँ और हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। तो केवल 4 महीने रह गए हैं, 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब को एक स्थिर और ईमानदार सरकार देगी। आपका जो प्रश्न था कि नए मुख्यमंत्री के लिए मेरा क्या संदेश है, चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनने पे मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम तो चाहते हैं कि पंजाब का विकास हो, पंजाब प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग सबसे पहले 5 चीज़ें मांग रहे हैं, इन 5 चीज़ों पे वो तुरंत कार्रवाई करें। नंबर 1, आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए, इनके खिलाफ पर्चे किए जाएं और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पहली चीज़ पंजाब के लोग मांग कर रहे हैं। एक मिनट। दूसरी चीज़, बरगाड़ी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज़ है। पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सज़ा नहीं हुई। और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बरगाड़ी कांड के दोषियों को। पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। तीसरी चीज़, कैप्टन साहब ने जो वादे किए थे, चन्नी साहब उन वादों को पूरा करें। या तो कहें कि कैप्टन साहब ने झूठ बोला था, मैं नहीं मानता। कैप्टन साहब ने कहा था मैं रोज़गार दूंगा सबको, और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा मैं रोज़गार भत्ता दूंगा, बेरोज़गारी भत्ता। वो बेरोज़गारी भत्ता तुरंत दिया जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर उसको शुरू कर दें, बेरोज़गारी भत्ता। और सब 4.5 साल का बकाया है, 4.5 साल का बकाया, वो भी सारा दें। तो जो कैप्टन साहब ने वादा किया था, बेरोज़गारी भत्ता दूंगा, रोजगार दूंगा, कार्ड लेके घूम रहे हैं वो कैप्टन साहब के बेचारे बच्चे, जॉब कार्ड, उनको बेरोजगार रोजगार दिया जाए और तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। चौथी चीज, कैप्टन साहब ने कहा था किसानों के लोन माफ करूंगा, सारे किसानों के लोन माफ करें। और पांचवी चीज, कांग्रेस ही कह रही है बार बार कि हमें पता है कैसे पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल हो सकते हैं, तो पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करें। ये 5 चीजें करें चन्नी साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब की जनता मांग कर रही है। क्या ये हो सकता है? 4 महीने अभी चन्नी साहब के पास, चुनाव के पहले। मेरी तो 49 दिन की सरकार थी जब मैं पहली बार आया था। 49 दिन के अंदर मैंने बिजली के रेट आधे कर दिए थे, मैंने पानी मुफ्त कर दिया था, दिल्ली से करप्शन ख़त्म हो गया था। अगर 49 दिन के अंदर मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ, तो चन्नी साहब भी ये सारे काम, अधूरे काम जो हैं वो सारे पूरे कर सकते हैं।